वहीं आज प्रधानमंत्री के सलाहकार भास्कर खोलबे और प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव मंगलेश गिलियार चमोली दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ में कई निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण वो करेंगे, जिसके बाद भास्कर खोलबे और साथ ही साथ मंगलेश बद्रीनाथ पहुंचेंगे और यहां पर मास्टर प्लान के मुताबिक प्रस्तावित विकास कार्यों का स्थावरा वो करेंगे। इसके बाद भास्कर खोलबे और मंगलेश मास्टर प्लान को लेकर जिला और राज्य के अधिकारियों के साथ बात करेंगे। तो वहीं 24 सितंबर को बद्रीनाथ से देहरादून के लिए रवाना होंगे। वहीं इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री के सलाहकार भास्कर खोलबे ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट कर्णप्रयाग रेल लाइन का निरीक्षण किया। साथ ही त्रिवेणी घाट पर की भव्य आरती में वो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के विकास के लिए माँ गंगा से प्रार्थना की। वहीं रेल विकास निगम ने भास्कर खोलबे को पूरी जानकारी देकर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को समय सीमा में पूरा करने का भरोसा भी दिया। माँ गंगा हमारी आस्था है, माँ गंगा हमारी विरासत है, माँ गंगा हमारी धरोहर है। ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज यहाँ पर गंगा आरती देखने का कि माँ को नमन करते हुए मुझे यही कहना है कि उत्तराखंड प्रगति करे, उत्तरोत्तर प्रगति करे और विकास करता रहे। तो चमोली दौरे पर हैं पीएम के सलाहकार और उप सचिव। इस दौरान केदारनाथ और बद्रीनाथ का जो तमाम चीज़ें हैं, जो तमाम तैयारियां हैं, उसको लेकर वहां पर निरीक्षण किया जाएगा। मास्टर प्लान को लेकर अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण ये दौरा है, चमोली दौरे पर है प्रधानमंत्री के सलाहकार और उप सचिव पुष्कर नेगी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पुष्कर, चमोली दौरे पर हैं प्रधानमंत्री के सलाहकार और उप सचिव, इस दौरान उनके क्या महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेंगे? केदारनाथ और बद्रीनाथ का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम? बिल्कुल देखिए मोनिका, मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री के जो मुख्य सचिव और मुख्य सलाहकार जो है चमोली और रुद्रप्रयाग का जो दौरा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो केदारनाथ का, मैं आपको बात करूं तो केदारनाथ से जो डायरेक्टली जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है केदारनाथ का, जो क्योंकि 2013 की आपदा के बाद जो है केदारनाथ को जो है नए निर्माण के लिए यहाँ पे इसको दोबारा से पुनर्जीवित किया गया था, तो उसको लेकर जो है आज जो है मंगेश घिरियाल जो है, क्योंकि जिलाधिकारी भी रह चुके हैं जनपद रुद्रप्रयाग के, तो वो आज इनका जो निर्धारित कार्यक्रम है, पहले वो केदारनाथ जाएंगे, क्योंकि हालांकि इस समय जरा मौसम यहाँ पे खराब है, लेकिन उनका जो निर्धारित समय है और जो जनपद चमोली का दौरा मोनिका जो इनका है 1 बजे, यानी 12:30 बजे से और 1 बजे के बीच का जो दौरा इनका जो है बद्रीनाथ, क्योंकि बद्रीनाथ को भी मास्टर प्लान के तहत यहाँ का कार्यक्रम भी इसको बताया जा रहा है और दूसरे फेज का पहला जो फेज चाहे केदारनाथ का हो चाहे बद्रीनाथ का हो, दोनों फेजों का जो काम यहाँ पे चल रहा है इसका स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे, चाहे वो केदारनाथ का हो चाहे वो आपका बद्रीनाथ का हो। हालांकि प्रशासन जो है कल से ही जो है बद्रीनाथ में पहुंच गया है, क्योंकि यहाँ लगातार जो है बारिश हो रही थी, आप सुबह का मौसम था, इस समय जो है मौसम धीरे धीरे साफ हो रहा, तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं और जो मुख्य सचिव हैं जो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, केदारनाथ का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे कि कितना कार्य हुआ, क्योंकि अब 2022 का जो चुनाव होना है, प्रगति रिपोर्ट जो है धरातल पर कितनी उतरी है इसको पहुंचाना है और उसके बीच जो है जनता के भी जाना है, तो इसको लेकर जो है हो सकता है कि इसी का जो दौरा होगा, चाहे मंगेश घिरियाल हो चाहे जो मुख्य सचिव जो प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं वो जनपद चमोली और रुद्रप्रयाग का दौरा कर रहे हैं। प्रशासन यहाँ पे कल शाम से ही पहुंच गया। चाहे केदारनाथ की अगर बात करूं तो केदारनाथ में भी जो सुबह से बारिश हो रही थी और अभी जो है मौसम जो है धीरे धीरे यहाँ पे साफ हो रहा है, तो 1 बजे का जो कार्यक्रम है जनपद चमोली का है, तो जनपद चमोली का प्रशासन जो है कल से जो है बद्रीनाथ में पहुंच गया, क्योंकि मास्टर प्लान के तहत जो है बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को यहाँ पे विकसित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से चारधाम यात्रा की जो इस समय चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो इसका भी मास्टर प्लान के तहत कितना काम चाहे वो केदारनाथ का हो चाहे वो आपका बद्रीनाथ का हो, इसका जायजा जो है स्थलीय निरीक्षण जो है यहाँ पे जो है चाहे मंगेश घिरियाल हो चाहे जो मुख्य सचिव जो श्री निवास है यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो स्थलीय निरीक्षण इसका करेंगे और अपनी रिपोर्ट आने वाले टाइम में जो अपनी रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे। शुक्रिया आपका पुष्कर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो चमोली दौरे पर हैं पीएम सलाहकार और उप सचिव केदारनाथ। केदारनाथ और बद्रीनाथ की जो तमाम तैयारियां हैं उन तमाम चीजों का स्थलीय निरीक्षण वो करेंगे।
साथ ही साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए जाएंगे। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है उसको लेकर वो तमाम चीज़ों का निरीक्षण करेंगे और साथ ही कहीं अगर कमी पाई जाएगी तो फिर वहां पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।